नमस्कार सभी को। अब हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग से रिलेटेड दो क्वेश्चन देख लेते हैं, जिनमें डिपार्टमेंटल अकाउंट नहीं बनाएंगे लेकिन उससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा उसको समझेंगे। एक पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। शर्मा ब्रदर्स हैव थ्री डिपार्टमेंट्स। द परचेज एंड सेल्स डाटा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 आर गिवन बिलो। डिपार्टमेंट ए बी सी तीनों के डिपार्टमेंट डाटा दिए हुए हैं, मैं पढ़ देता हूँ। परचेज एट ₹1 लाख, यहाँ परचेज का टोटल अमाउंट दे रखा है लेकिन हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कितनी परचेज है ये नहीं दिया हुआ है, तो इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे ये हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। क्वांटिटीज दे रखी है, यूनिट्स दे रखी है। 1000 यूनिट परचेज की ए डिपार्टमेंट की, बी डिपार्टमेंट में 2000 और सी डिपार्टमेंट में 2400। ओपनिंग स्टॉक है 120, 80, 152। सेल्स है यूनिट्स में 1020, 1920, 2456। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 20, 22.5 और 25। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये पुरानी है, इसमें मैं 2020 ही कंसिडर कर रहा हूँ। एज्यूम देयर द रेट ऑफ जीपी इज द सेम इन ईच केस। यहाँ हमें हिंट दिया हुआ है कि जीपी तीनों ही केस में सेम है, यानी ए डिपार्टमेंट में भी जीपी रेट सेम है, बी डिपार्टमेंट भी सेम है, सी डिपार्टमेंट भी सेम है। अब आप ये देखें ना, तो सेल्स वैल्यू दे रखी है तो जीपी कैसे निकालेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, एक जगह अमाउंट दिया हुआ है परचेज में, तो उसके बेस पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन में असल में जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है, परचेज इन अमाउंट भी दिया हुआ है लेकिन टोटल दिया हुआ है एक्स वाई जेड का। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो परचेज है ये मानते हुए कि यदि परचेज को ही सेल्स किया था तो टोटल सेल प्राइस कितनी रिलीज होती। जो परचेज ₹1 लाख में यूनिट्स में अपन देखें 1000 यूनिट्स परचेज की है एक्स की, 2000 यूनिट वाई की और 2400 यूनिट्स की है जेड की। तो यहाँ सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा 20, 22.5 और 25। तो ऐसी स्थिति में सेल रियलाइजेशन कितना होता है इन जो परचेज की हुई यूनिट्स हैं इनका, उसके बेस पर हम जीपी रेशियो, कंबाइंड जीपी रेशियो निकालेंगे, क्योंकि तीनों जो डिपार्टमेंट हैं तीनों डिपार्टमेंट में जीपी रेशियो सेम है, तो उसके बेस पर हम जीपी रेशियो निकालेंगे। ये मैं आगे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। अब आप देखें जो ये परचेज की यूनिट्स 1000 यूनिट्स जो परचेज की थी एक्स डिपार्टमेंट में, वो सेलिंग प्राइस ₹20 के हिसाब से की जानी है, तो कुल मिलाकर सेल्स प्राइस सेल्स रियलाइजेशन होगा ₹20,000 का। वाई डिपार्टमेंट में 2000 यूनिट परचेज की गई हैं, इनको यदि बेचा जाता परचेज की यूनिट्स को ही तो सेलिंग प्राइस रियलाइज होती 45,000 रिलीज होती है यहां पर। इसी तरह से जेड डिपार्टमेंट में 2400 यूनिट्स जो है ₹25 के हिसाब से सेल्स करेंगे तो सेल्स रिलीज होगी 60,000। टोटल सेल्स वैल्यू रहेगी 1,25,000। इसका मतलब यह है कि एक्स वाई और जेड डिपार्टमेंट में जो ₹1 लाख में 1000, 2000 और 2400 यूनिट्स जो परचेज की गई थी उनको सेल्स करने पर टोटल रियलाइजेशन हो रहा है 1,25,000। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है, 1,25,000 माइनस 1 लाख इक्वल टू 25,000 ऑन सेल्स ऑफ 1,25,000। तो जीपी रेशियो निकालेंगे प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। 1,25,000 सेल्स रियलाइजेशन माइनस परचेज कॉस्ट है 1 लाख, तो प्रॉफिट हो गया 25,000 डिवाइड बाय सेल्स 1,25,000 इनटू 100। तो जीपी रेशियो आएगा 20%। इसके बेस पर जो परचेज यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट निकालेंगे और उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 20, 22.5 और 25, और इसमें से जो प्रॉफिट मार्जिन है सेल्स प्राइस पर वो माइनस करेंगे तो उससे कॉस्ट निकल जाएगी। जैसे यहां पर एक्स डिपार्टमेंट में ₹4, 20% का 20%, ₹4। वाई डिपार्टमेंट में ₹4.5 और जेड डिपार्टमेंट में ₹5, ये माइनस करेंगे तो कॉस्ट आएगी एक्स डिपार्टमेंट में ₹16, वाई डिपार्टमेंट में ₹18 और जेड डिपार्टमेंट में ₹20। और इस तरह से कॉस्ट और सेलिंग प्राइस, अब चूंकि आपको कॉस्ट पर यूनिट भी पता लग चुकी है
सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो ऑलरेडी दी हुई थी, तो इसके बेस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम है वो देखते हैं। देवेंद्र मिनरल्स हैज थ्री डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ द फर्म्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्चुअल सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल सेलिंग प्राइस। डिपार्टमेंट एक्स और वाई में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1,08,000, वाई में 1,60,000, जेड में 50,000। इसी से परचेज है 6,500,000 और 2,00,000 रुपए, एक्चुअल सेल्स है 7,600,000 और 3,00,000 रुपए, जीपी रेट दे रखी है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर। एक्चुअल सेल्स और नॉर्मल सेलिंग प्राइस में अंतर है, आगे जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेस पर हम देखेंगे। नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर है 20%, 25% और 30%। ड्यूरिंग द ईयर सर्टेन आइटम्स वर सोल्ड एट डिस्काउंट एंड दिस डिस्काउंट्स वर रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ सेल्स शोन अबव। द आइटम सोल्ड एट डिस्काउंट वर, जो आइटम बेचे गए हैं डिस्काउंट पर वो है, उनके बारे में सूचना देगी कि यदि इनको सेल्स करते हैं नॉर्मल प्राइस पर तो 30,500, 10,000 और 4,000 रुपये रिलीज होते हैं, लेकिन एक्चुअल प्राइस पर जब इनको किया गया है तो 20,000, 6,000 और 2,000 ही रिलीज हुए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे, वो हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले जो कैलकुलेशन करना है वो नॉर्मल सेल्स प्राइस निकालना है, ताकि उस पर जीपी रेट जो दी हुई है उसको इंप्लीमेंट करते हुए हम कैलकुलेशन कर सकें। तो यहां पर देखें, सबसे पहले एक्चुअल सेल्स लेंगे, यहां पर एक्स वाई और जेड डिपार्टमेंट की एक्चुअल सेल्स जो दी हुई है 7,00,000, 6,00,000 और 3,00,000 दी हुई है। और एक्चुअल सेल्स में जो डिस्काउंट दिया गया था, जो कि जो नॉर्मल सेल्स और माइनस एक्चुअल प्राइस जो थी उसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट है, क्योंकि डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड में जो डिस्काउंट रेट पर माल बेचा गया था वो सेल्स नॉर्मल प्राइस पर था डिपार्टमेंट एक्स में 30,500 पर, लेकिन उसे एक्चुअल में बेचा गया 20,000 पर। इसका मतलब 10,500 जो डिस्काउंट दिया गया था उससे हम यहाँ एड बैक करेंगे, तो ताकि हमें नॉर्मल प्राइस पता लग सके कि नॉर्मल प्राइस पर जब हम एक्चुअल प्राइस जो दी हुई है जिसमें एक्चुअल जो डिस्काउंट दिया गया उसका इम्पैक्ट भी शामिल है, तो उसको नॉर्मल प्राइस में कितने में बेचा जा सकता था वो निकालने के लिए यहाँ पर डिस्काउंट को एड बैक करेंगे, ताकि नॉर्मल सेल्स प्राइस पता लग सके। अब डिस्काउंट जो है वो देखते हैं डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड में 30,500 माइनस 20,000, ये डिस्काउंट है एक्स डिपार्टमेंट में, वाई डिपार्टमेंट 10,000 में से 6,000 माइनस करेंगे घटाएंगे, और जेड डिपार्टमेंट 4,000 में से 2,000 माइनस करेंगे। तो आप देखें डिस्काउंट का जो अमाउंट है एक्स डिपार्टमेंट 30,500 माइनस 20,000 10,500, वाई डिपार्टमेंट में 4,000 और जेड डिपार्टमेंट में 2,000। तो इस तरह से जो वैल्यू प्राप्त होगी वो कौन सी रहेगी, सेल्स नॉर्मल, यानी नॉर्मल सेल्स, सेल्स एट नॉर्मल प्राइस। नॉर्मल प्राइस पर जो सेल्स की जाती है वो अमाउंट यहां पर कैलकुलेट हुआ 7,10,500, 6,04,000 रुपए, 3,02,000 रुपए। अब इसमें हम जो जीपी रेट है इसके बेस पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो सकता था वो निकालेंगे, ताकि उसमें से डिस्काउंट घटाकर एक्चुअल जो जीपी हमें दिखाना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में वो निकाल सकें। तो जीपी जो रेट दी हुई है उसके बेस पर निकालेंगे, रेट दी हुई 20, 25 और 30%। तो 20% का 20% होता है 1,42,000,
100। इसके बाद है यहां पर 6,04,000 का 25%, हाफ का हाफ 3,02,000 डिवाइड बाई 2, 1,51,000। इसके बाद 30% यहां पर है तो 10% लेंगे इसका 30,200, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 90,600 रुपए। तो ये यदि माल नॉर्मल सेल्स प्राइस पर बेचा जाता, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता, तो ये जीपी होता। लेकिन इसमें डिस्काउंट दिया गया है तो लेस डिस्काउंट। अब डिस्काउंट एक बार एड करके नॉर्मल सेल्स निकाली, नॉर्मल सेल्स पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद वापस जो डिस्काउंट ऊपर कैलकुलेट किया गया था उससे माइनस करके जीपी, जिसको कि कंसिडर करना है, ये जीपी था ऑन नॉर्मल सेल्स 10,500, 4,000, 2,000, ये माइनस करेंगे तो ये जीपी, एक्चुअल जीपी आ जाएगा, एक्चुअल जीपी 10,000 ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए 1,42,100 में से 10,500 माइनस करेंगे तो 1,31,600 रुपए। सेकेंड जो है वो 1,47,000 और थर्ड रहेगा 2,000 माइनस करेंगे 90,600 में से तो 88,600। तो ये इसमें कैलकुलेशन का हमें देखना रहेगा और इसके बाद कोई मुश्किल नहीं आएगी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में। तो हमने दोनों क्वेश्चन देख लिए हैं जिनमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा वर्किंग नोट समझना जरूरी था, मैंने वर्किंग नोट समझा दिए हैं। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट आप बनाकर देख लीजिए। धन्यवाद।